खबर पंजाबी देख रहे सारे ही स्रोतियों का स्वागत है। कैनेडा के एक होर सूबे तरफों इमीग्रेशन वधाउण दा ऐलान किया गया है। कैनेडा के सूबे न्यू ब्रांसविक ने ऐलान किया है कि उन्होंने सूबे में स्किल्ड वर्कर की काफ़ी कमी है, जिसन पूरी करने के लिए उन्होंने तरफ तो इमीग्रेशन वाधा किया जाएगा। न्यू ब्रांसविक कुछ समय पहले ही इलैक्शन हो के हटिया ने, बीती 14 सितंबर में ही उत्थे कंजरवेटिव पार्टी की नवी बहुमत वाली गौरमेंट बनी है। हालांकि इन वोटों दौरान सारिया ही पार्टियों वालों इमीग्रेशन वधाउण का वादा किया गया सी, जिस विच लिबरल पार्टी वालों कहा गया सी कि उन्हां वालों हर साल 10,000 न्यू इमीग्रेंट्स नूं लियांदा जाएगा, जबकि हुण कंजरवेटिव पार्टी वालों भी 10,000 इमीग्रेंट्स नूं सूबे विच लियाउण दा लक्ष्य रख्या गया है। हालांकि इस तों पहलां 7,500 इमीग्रेंट्स नूं सूबे विच लियाउण दा लक्ष्य मिथिया गया सी, जो कि फैडरल सरकार की मंजूरी नाल कीता गया। न्यू ब्रांसविक सरकार वालों ऐलान किया गया है कि वधेरे इमीग्रेंट्स नूं सूबे दे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दे तहत समर्थन दे के उन्हां नूं इत्थों दे नागरिक बनाउण दी कोशिश की जाएगी। सरकार वालों कहा गया है कि नवें इमीग्रेंट्स नूं उत्साहित किया जाएगा कि वह इस सूबे विच ही रहन अते इत्थे ही काम करन, तां कि सूबे की आर्थिकता नूं लाभ पहुँच सके। दोस्तों इत्थे ये भी दसना जिक्रयोग है कि बीते कई सालों तों स्टूडेंट्स का रुझान भी इस सूबे वल होया है। न्यू ब्रांसविक सूबे विच प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दीयां शर्तां बाकी सूबियां नालों थोड़ियां सौखियां ने, जिस कारण इत्थे कई इंप्लॉयर्स नूं काफ़ी वर्करस भी मिले ने। न्यू ब्रांसविक की गौरमेंट के एक अंदाजे मुताबिक आने वाले 10 सालों में 1,20,000 स्किल्ड वर्कर की कमी नाल सूबे नूं जूझना पवेगा, जिस लई हुणे तों ही तैयारी की जा रही है। न्यू ब्रांसविक सूबे नूं जिथे लो बर्थ रेट नाल जूझना पै रहा है, उत्थे सूबे विच वधेरी उम्र वाले व्यक्तियों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है, जिस नाल कामियां दी घाट पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पंजाबी।